नमस्कार, खबर 5 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा में विधायक और पूर्व विधायक के बीच विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा को कहा पूर्व विधायक। पूर्व विधायक कहने पर भड़के छोटेलाल वर्मा। मंच पर जितेंद्र वर्मा और छोटेलाल वर्मा के बीच नोकझोंक हो गई। पूर्व विधायक है जितेंद्र वर्मा और छोटेलाल की नोकझोंक हुई है। बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ये कहा सुनी हुई है। आगरा में फतेहाबाद नगर पंचायत क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और मंच पर ही ये आखिर हुआ क्या, ये भी समझिए, सुनिए। विधायक छोटेलाल वर्मा को पूर्व विधायक कह दिया, इसी बात पर यहां पर विवाद हुआ। और विवाद के बाद देखिए विधायक जी आखिर किस तरह से गुस्सा गए हैं कि उनको आखिर पूर्व विधायक कैसे कह दिया। आगरा का मामला है और यहां पर दरअसल चुनाव को लेकर बीजेपी एक अहम बैठक कर रही थी इसी मुद्दे को लेकर। और इसी दौरान छोटेलाल वर्मा भड़क गए। जितेंद्र वर्मा और छोटेलाल वर्मा दो बीजेपी की नेता मंच पर ही इसी दौरान सभा के बीच ही आपस में नोकझोंक कर रहे हैं। विवाद हो गया, कुछ नेताओं ने बीच बचाव कराया। फतेहाबाद नगर पंचायत क्षेत्र का मामला। और निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुछ देर में एसपी के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी के पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी की शाहजहांपुर की मेयर कैंडिडेट अर्चना वर्मा जो उनकी बहू है वो भी शामिल हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना जो कि शाहजहांपुर से विधायक हैं और उनकी मौजूदगी में शामिल होंगे ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता। एक बड़ा झटका होगा, समाजवादी पार्टी की मेयर कैंडिडेट अर्चना वर्मा अपना टिकट भी वापस कर रही हैं। यानी कि जिस कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के रण में पहली बार उम्मीदवार बनाया मेयर पद के लिए, वो उम्मीदवार अब टिकट वापस करके बीजेपी में शामिल हो रहा है। अर्चना वर्मा राममूर्ति वर्मा की बहू है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव के चरण में अब शाहजहांपुर से उन्हीं अर्चना वर्मा को टिकट भी दे सकती है। बड़ी और अहम